तो यही है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे बहुत ज़्यादा इजिली एक दिन में ग्रैंड मास्टर पुश कर सकते हो वो भी सी एस रैंक में ठीक है तो मैं आपको मतलब अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊँगा जो आपको मतलब कभी देख अब मतलब बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी ठीक है तो पहले बात कर लेते हैं यार आपको स्काट के साथ खेलना चाहिए या फिर सोलो खेलना चाहिए मतलब रैंडम बंदों के साथ खेलना चाहिए तो देखो स्क्ॉट के साथ खेलोगे तो आपका एक कोर्डिनेसन बढ़िया रहेगा और आपके साथ मतलब आपके बंदे अच्छे रहेंगे जिसको वजह आप इजिली मार लोगे और देख लो यहाँ पर मैं नॉक हो गया ठीक है अब नॉक होने के बाद देखो मेरे टीम मेरे को रिवाइव दे रहे हैं अब यही एक फ़ायदा होता है अगर आप रैंडम प्लेयर्स के साथ नहीं खेलते हो तो रैंडम प्लेयर्स क्या करते हैं अपनी चलाते हैं आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चलाते हैं सोचते हैं मैं अकेले में मैच जिता दूँगा ठीक है वो लोग यही सोचते हैं और देखो यहाँ पर मेरे तीन बंदे बचे थे उधर एक बंदा बचा था ठीक है तब पर मेरे टीम मेट्स ने मेरे को रिवाइव दिया ठीक है क्योंकि क्यों दिया क्योंकि मारे भी जा सकते हैं ऐसा नहीं है सब प्रो ही होते हैं ठीक है पिछले मैच में मैं इसके पिछले वाले मैच में गाइज मेरे तीन लगातार तीन बंदे ने मतलब एक बंदा था एम फाइव हंड्रेड से तीन लोगों को लगातार नॉक कर दिया हम लोगों को लगा हैकर है बट गाइज वो हैकर नहीं था उसने सही में नॉक किया था ठीक है तो यही सीन होता है यार आपको हमेशा अपने टीम को रिवाइव देना है ऐसे वन वी वन सिचुएसन है तो पहले आपको अपने टीम को रिवाइव देना है उसके बाद आपको बंद बंदे को मारना है और बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब पेशेंस रख के मारना है जैसे देख लो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इजीली इसको मार दिया अब देखो मैंने थोड़ा स्प्रे दिया ठीक है स्प्रे का मतलब ये होता है इसमें मतलब थोड़ा बंदे को डैमेज देना अगर आप कोशिश करना चाहो तो नॉक भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा अगर आप डैमेज देना चाहोगे तो उससे क्या होता है बहुत लोग सोचते हैं उससे क्या होता है उससे कुछ नहीं होता लेकिन से बहुत ज़्यादा कुछ होता है क्योंकि देखो अगर, अगर आप बंदे को थोड़ा सा स्प्रे देते हो तो बंदा थोड़ा डर जाता है उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर वो रस कर रहा होता है अब देखो इस बंदे की गलती क्या थी यार ये मतलब डेजर्ट ईगल से रस करने लगा अब देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट राउंड जीता था तो मेरे पास अच्छी गन होगी उसके पास बेकार गन होगी इसीलिए हम लोगों ने रस किया ठीक है अब रस करने का मतलब यही था यहाँ पर मतलब सिचुएसन देख के आपको काम करना है और बंदों से अगर आप इस्कॉट के साथ खेल रहे हो तो आपको बात करके खेलना है जैसे कि देख लो बंदा भी पर में इसको नहीं था ये तो देख लो कवर में नहीं है और आपके पास वॉल नहीं है तो गैस आप भी रिस्क मत लो क्योंकि देखो अगर आप कवर में नहीं है बंदा तो आपके पास वॉल नहीं है तो आप मान लो अपने मौत को बुलावा दे रहे हो और कुछ नहीं ठीक है ना बंदे को हमेशा कवर में रिवाइव देना है और जितनी तक कोशिश करनी ना गाइस बंदे को मतलब आपको हमेशा रिवाइव देने की कोशिश करनी है सब लोग अपने साथ में खेलो बात करके खेलो कितने बंदे को कितना डैमेज दिया है रैंडम बंदों के साथ ये तो दिक्कत होती है गाइस वो लोग बात करके नहीं खेलते वो लोग अपनी चलाते हैं सिर्फ अपने अपने से ही मैच जीत जाते हैं सोचते हैं तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जल्दी से रेस्ट करने की सोची और देखो यहाँ पर हुआ क्या मेरे को चारों तरफ से डैमेज पड़ने लगा तो खुले में आपको कभी भी नहीं जाना मेरे पास यहाँ वॉल थे इसीलिए मैंने थोड़ा कोशिश किया था बाकी और कुछ नहीं तो यहाँ पर देख लो मैंने थोड़ा मतलब स्प्रे दे रहा था तो वहाँ पर बंदे नहीं थे तो ये वाला बंदा सीधा चढ़ गया था ऊपर और मेरे को पता भी नहीं था तो यहाँ पर एक बंदा ये ऊपर चढ़ रहा था मैंने इसको बहुत ज़्यादा ईजिली नॉक कर दिया लेकिन यहाँ पर एक और बंदा ऑलरेडी था तो यहाँ पर देख लो मेरे टीम मेट्स ने मतलब तो तो कितनी जल्दी आ गया ठीक है तो यहाँ पर यही फ़ायदा होता है मेरे टीम मेट्स अगर बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे यही स्कॉट के साथ खेलने का फ़ायदा होता है अब देखो अभी यहाँ पर रैंडम के साथ आप खेल रहे होते तो वो लोग आपको पहले आप जो बता रहे होते रिवाइव दो तो रिवाइव तो दो तो, हेल्प मी हेल्प मी वो लोग लो लो सुनते भी नहीं और ऊपर से आप रिवाइव भी ना होते ठीक है तो यही सीन होता है अगर आप एक रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलते हो स्कॉट के साथ खेलते हो और आपके पास स्कॉट नहीं मिल रही है तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कमेंट बॉक्स पूरा खाली है कमेंट में आपको अपनी यू लिख देनी है और गैस मैं आपके साथ भी हो सकूँ तो खेल लूंगा बाकी अगर आपको जो बंदे मतलब जो जो बंदे हैं यहाँ पर वो लोग भी इन लोग के साथ एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना और गैस आपको हमेशा अलग अलग स्क्वाड के साथ खेलना है अलग अलग स्कॉट के साथ अपना एक्सपीरियंस लेना है तभी आप जाके अच्छे स्कॉट को चुन पाओगे और तभी जाके आप अच्छा प्लेयर मतलब चुन पाओगे जिसके वजह जिस से आप आराम से खेल लोगे ठीक है तो आपको हमेशा अलग अलग लोगों से अलग 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 लोगों से खेलना है और गैस स्कॉट बनाना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है आपको देखो इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो फेसबुक वगैरह चलाते हो वहाँ पर आप पोस्ट डाल सकते हो जिसकी वजह से आप बंदे आप बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको ठीक है तो इस ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और स्कॉड ढूंढने का ये सबसे अच्छा तरीका है बाकी आपको गेम में कोई मिल जाता है फिर आपकी कोई ऑलरेडी स्क्ॉड है तो अच्छा है ठीक है अब जरूरी नहीं है बैसा मतलब एट्टी लेवल का ही बंदा चाहिए मतलब एकदम दो बंदा नहीं चाहिए तो यार थोड़ा बहुत अगर मीडियम बंदा रहेगा तब पर भी काम चल जाएगा तो यहाँ पर देख लो यहाँ पर मेरा सबसे बड़ी गलती क्या करी अगर यहाँ पर बंदा ने नेट फेंक गया तो ये मेरी गलती हो गई या मैं यहाँ पर खुले में चला गया था ठीक है तो यहाँ पर मतलब मेरी गलती बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो तो यहाँ पर देख लो यहाँ पर थर्ड राउंड हो चुके हम लोग लगातार चार राउंड जीते थे इसलिए मैं जो बहुत जल्दी खत्म हो गया तो गाइस अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद है तो आपको क्या करना है यार मैं बहुत ज़्यादा टिप्स नहीं बताया मैं आपको कुछ ही टिप्स बताया लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया हूँ क्योंकि आपके पास इसकॉट होगी तो आराम मैच जीत जाओगे और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वाला आइकन जरूर से देना क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा अपडेट वगैरह की टिप्स एंड ट्रिक्स अब तक सबसे पहले पहुंच जाएगी तो मिलता है वीडियो में तक, तक लिए